नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। नैनीताल जिले के SSP प्रहलाद नारायण मीणा ने जिले में नशे की तस्करी और खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए जिले में मौजूद सभी थाना और चौकी प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, SSP के दिशा निर्देशों के अनुपालना के क्रम में नैनीताल पुलिस की ओर से लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाकर नशे के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बता दें, इसी क्रम में मुखानी थाना अध्यक्ष पंकज जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान पुलिस ने मोहित बिष्ट और गौरव सिंह को 6 पेटी अवैध देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी मारुति सुजुकी से अवैध शराब की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना मुखानी में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम में अपर उपनिरीक्षक सतपाल राणा, कांस्टेबल ताराचंद कंबोज और कांस्टेबल चालक केदार सिंह मौजूद रहे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज। धन्यवाद।